वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कोमलप्रीत कौर, 12वीं जमात की विद्यार्थन हाँ। अज मैं तुहाडे नाल गुरु तेग बहादुर जी के जीवन बारे अपने कुछ विचार सांझे करना चाहती हाँ। सूरज सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, परजा परजा कट मरे कबू ना छाडे खेत। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म सिखा दे छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद जी के घर माता नानकी दी कुखों 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं अमृतसर विखे होया। गुरु हरगोबिंद जी द्वारा मुगलों विरुद्ध लड़ाई विच बहादुरी दिखाउण ते गुरु जी का नाम तेग बहादुर रख दिता गया, जिसका अर्थ तलवार दा शक्तिशाली। गुरु तेग बहादुर जी नूं बचपन विच त्यागा मल भी कहा जांदा सी। विद्या अते विया, गुरु तेग बहादुर जी नूं सिख संस्कृति विच पालिया गया। गुरु जी नूं तीर अंदाजी घोड़सवारी भी सिखाई गई। गुरु जी नूं वेद उपनिषद अते पुराणा भी सिखाईआं गईआं। गुरु तेग बहादुर जी दा विआह 3 फरवरी 1633 ईस्वी नूं माता गुजरी नाल होया। गुरगद्दी, गुरु हरकिशन जी तों उन्हां दे सिखां द्वारा पुछिया गया कि उन्हां तों बाद उन्हां दी अगवाई कौन करेगा, तां गुरु जी ने बाबा बकाला नूं जवाब दिता, जिसका अर्थ सी कि उन्हां दा उत्तराधिकारी बाबा बकाला विचों मिलेगा। जिस गल दा फायदा उठाउंदिया बहुत सारे सिखां ने अपने आप नूं ते साधुआं ने भी अपने आप नूं बाबा काला विच स्थापित कर लिया गया। सिख इन्हें दावेदारां नूं देख के बहुत हैरान होए। एक अमीर व्यापारी बाबा मक्खण शाह लुभाणा दी किश्ती तूफान कारण डुब गई सी, जिन्हां ने जिंदगी लई अरदास कीती कि बच निकलण ते सिख गुरु नूं 500 सोने दे सिक्के भेंट करेगा। 9वें गुरु दी भाल विच बाबा मक्खण शाह लुभाणा बाबा बकाले पहुंचिया। उन्हें हरेक गुरु नूं 2 सोने दे सिक्के भेंट कीते ते मत्था टेकिया। हरेक गुरु ने उसदे सोने दे सिक्के स्वीकार कीते ते अलविदा कह दिता। अखीर विच बाबा मक्खण शाह लुभाणा ने गुरु तेग बहादुर जी नूं मत्था टेकिया ते 2 सोने दे सिक्के भेंट कीते। गुरु जी ने उसनूं आशीर्वाद दिता ते कहा कि उसदे ये सिक्के वादा कीते गए सिक्क्या नालों बहुत घट हन। यह गल सुन के बाबा मक्खण शाह लुभाणा जोर जोर नाल चीकन लगा कि गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, भाव मैं गुरु नूं लभ लिया। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी नूं सिखां दे 9वें गुरु स्थापित किया गया। हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद दी चादर कहा जांदा सी क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की राखी लई महान कुरबानी दिती। शहीदी, अपने लिए तो हर कोई जिउंदा है, पर सच्चा मनुख वह है जो दूजिआं दे जीवन लई अपनी जान वार दिंदा है ते शरण विच आए हर व्यक्ति दी जीवन की राखी लई सदा तैयार रहिंदा है। गुरु तेग बहादुर जी समय कश्मीर सूबेदार हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बना रहा सी। कश्मीरी पंडित दुखी हो के गुरु जी कोल फरियाद लै के आए ते कहा कि जेकर कोई महान व्यक्ति अपनी कुर्बानी दे दिंदा है तां उन्हां दी रक्षा हो सकती है। गुरु तेग बहादुर जी अपने साथियों समेत तिलक जंजू दी रखवाली लई दिल्ली चले गए। गुरु जी नूं उत्थे गिरफ्तार किया गया। चांदनी चौक दी कोतवाली विच गुरु जी नूं बहुत सारे कष्ट दिते गए, पर गुरु जी अडोल रहे। मुगल बादशाह दे हुक्म नाल जलाद ने गुरु जी दा सिर धड़ नालों वख कर दिता गया। गुरु जी ने शीस दत्ती पर सिर ना दिता। ये महान बलिदान 1675 ईस्वी विच होया। गुरु जी ने ये महान बलिदान दे के ये सिद्ध कर दिता गया कि बाँ जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजे बाँ ना छोड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।